बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे डायटेटिक्स 2 में, टॉपिक है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्क्राइब अबाउट इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इज़ अ कंडीशन करेक्टराइज्ड बाय द अनएक्सप्लेन्ड एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट और पेन दैट इज एसोसिएटेड विद चेंजिंग इन बाउल हैबिट्स। बेसिकली इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में होता क्या है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसको हम एक बैली में पेन जो होता है, जिसको बज़ाहरी तौर पे हम बयान नहीं कर सकते कि क्यों हो रहा है और किस तरह हो रहा है, उससे लिंक करती है। और इस पेन के साथ साथ जो बाउल की हैबिट्स हैं फूड के हवाले से, फंक्शनैलिटी के हवाले से, कंडीशंस के हवाले से, वो चेंज हो जाती हैं। अगर इसके मैं मज़ीद सिम्टम में जाऊं तो कुछ सिम्टम इसके कॉमन हैं जिनमें गैस, ब्लोटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस विच इज़ एसोसिएटेड विद साइको सोशल डिस्ट्रेस। दीज सिम्टम्स मे बी ट्रांजिएंट मेकिंग IBS अ डायग्नोस ऑफ एक्सक्लूजन। अगर हम इसको क्लासिफाई करें तो उसमें इट्स अ फंक्शनल डिसऑर्डर बिकॉज टेस्ट शो नो डायग्नोस्टिक एबनॉर्मेलिटीज, इसीलिए डायग्नोसिस डिपेंड ऑन द सिम्टम्स। अबाउट 10-20% ऑफ US पॉपुलेशन हैज़ IBS। अगर इसमें मज़ीद में एपिडमोलॉजी स्टडी में जाऊं तो उसमें बहुत सारी वुमेंस अफेक्टेड हैं इससे एंड रिपोर्टिंग अ फैक्टर अबाउट दिस। मज़ीद इसकी अगर मैं इटोलॉजी को बयान करूं, देर इज़ अ नो स्पेसिफिक मार्कर और टेस्ट इज़ डायग्नोस्टिक फॉर द IBS। बेसिकली अब तक कोई ख़ास किस्म का मार्कर या टेस्ट IBS के लिए स्पेसिफिक नहीं किया गया, ना ही सामने रखा गया है। बट व्हेन असेसिंग अ पेशेंट फॉर IBS द क्लिनियंस मस्ट केयरफुली रिव्यू मेडिकेशन रिकॉर्ड बिकॉज नॉर्मस ओवर द काउंटर एंड प्रिस्क्राइब मेडिकेशन कैन कॉज एबनॉर्मल सिम्टम सच एज पेन एंड चेंजिंग इन बाउल हैबिट्स। इसके अलावा IBS के सिम्टम्स के अंदर अगर देखा जाए ओवरलैप है विद और सिमिलर टू कुछ अदर कॉम्प्लिकेशंस के साथ ये ओवरलैप करती है, जिसमें हमारे पास सीलिक डिजीज़ है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, फंक्शनल डिस्पेप्सिया है एंड फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन है। इसके अलावा अगर IBS के अंदर पेशेंट्स की स्टूल्स के पैटर्न को देखा जाए तो IBS विद कॉन्स्टिपेशन, अगर एक पेशेंट IBS के साथ कॉन्स्टिपेटेड है तो उसके अंदर 3 से कम बाउल मूवमेंट्स पर वीक होती हैं, हार्ड होती हैं, लंपी स्टूल होता है। और अगर IBS के पेशेंट्स को डायरिया हुआ हो तो फिर 3 से ज़्यादा मूवमेंट्स होती हैं पर वीक फीकल की। और अगर मिक्स्ड IBS है तो उसमें अ मिक्सड ऑफ हार्ड एंड लूज टूल्स ओवर पीरियड ऑफ द आर टू डेज। और अगर अनसब टाइप IBS हुआ है देन इनसफिशेंट एबनॉर्मेलिटी ऑफ स्टूल होगी टू मीट द क्राइटेरिया फॉर IBS कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया एंड मिक्सड। यानी कि 3-4 टाइप्स मैंने बयान किए हैं IBS की। नंबर 1 में विद कॉन्स्टिपेशन के साथ पेशेंट होता है IBS में, सेकेंड टाइप में डायरिया के साथ होता है IBS का पेशेंट, थर्ड टाइप के अंदर पेशेंट मिक्स्ड कंडीशन शो करता है जिसमें उसमें लूज मोशन भी होते हैं और हार्ड भी होते हैं, और एक फोर्थ टाइप है जिसको हम अनसब टाइप IBS कहते हैं। ये मैंने आपके सामने इसकी इटोलॉजी रखी। अब मैं आपको इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बताऊँगा। IBS की पैथोफिजियोलॉजी इज़ नॉट कम्प्लीटली अंडरस्टूड, अ नंबर ऑफ फैक्टर आर प्रज्यूम्ड टू प्ले अ रोल इन द इटोलॉजी ऑफ IBS इंक्लूडिंग नर्वस सिस्टम अल्ट्रेशंस,
गट फ्लोरा अल्ट्रेशंस, जेनेटिक्स एंड साइकोसोशल स्ट्रेस, दीज आर दी सम मेजर पैथोफिजोलॉजिकल पॉइंट. रिसर्चर्स ट्रेडिशनली हैज़ फोकस्ड ऑन द इंटेस्टाइनल मोर्टेलिटी, हाउएवर स्टडी ऑफ स्मॉल बाउल एंड कोलोनिक मोबिलिटी शो इनकंसिस्टेंट रिजल्ट एंड हैव नॉट डिटरमिंड अ प्रीडोमिनेंट पैटर्न ऑफ मोटर एक्टिविटी एज ए मार्कर डेट विल डायग्नोज IBS. अगर मैं फर्दर आगे चलूँ तो मैं इसकी मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी पर बात करूँ तो द गोल ऑफ न्यूट्रिशन थेरेपी फॉर IBS और या गोल ऑफ द डाइट थेरेपी फॉर द IBS आर टू इंश्योर एडिक्वेट न्यूट्रिएंट इनटेक, टेलर द डाइट फॉर द स्पेसिफिक GIT पैटर्न ऑफ द IBS एंड एक्सप्लेन द पोटेंशियल रोल ऑफ फूड इन द मैनेजमेंट ऑफ द सिम्टम्स. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यूट्रिशन इंटरवेंशन फॉर IBS शुड टेक अ स्टेप वाइज अप्रोच फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. फर्स्ट पॉइंट जो हमारे सामने आया है वो ये है कि हमने पेशेंट्स की एडुकेट न्यूट्रिशन इनटेक को इंश्योर करवाना होता है. सेकेंड पॉइंट ये है कि हमने इसके सिम्टम्स की न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट करनी होती है, जिसके अंदर कुछ फूड्स का पोटेंशियल रोल्स हमारे सामने आएंगे. नंबर थ्री पे हमने इस पेशेंट्स के लिए, IBS के पेशेंट्स के लिए न्यूट्रिशन इंटरवेंशंस की इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है, जो कि स्टेप वाइज होती है. आई मीन टू से फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी कि हमें पेशेंट को सिंपल डाइट से स्टार्ट करवाना होता है और कॉम्प्लेक्स डाइट की तरफ लेकर जाना है. इनिशियल स्टेप्स ड्यूरिंग द न्यूट्रिशन काउंसलिंग शुड इंक्लूड, कुछ इनिशियल स्टेप्स ड्यूरिंग न्यूट्रिशन काउंसलिंग शुड बी इंक्लूड्स आर वन, नंबर वन रिव्यू ऑफ द करंट मेडिकेशन फॉर IBS, यानी कि अगर आपके पास IBS का पेशेंट आ जाए और आप उसकी मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी करने लगें तो आपका नंबर वन जो होगा, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आप रिव्यू करेंगे मेडिकेशंस का फॉर IBS के लिए जो पेशेंट ले रहे हैं एंड अदर मेडिकेशंस को देखेंगे. नंबर टू पे आप उस पेशेंट्स के गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स का रिव्यू करेंगे. गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स के रिव्यू के अंदर जो चीज़ें शामिल हैं, यानी कि आप उनका ड्यूरेशन देखेंगे, उन सिम्टम्स की सिवियरिटी देखेंगे और फ्रिक्वेंसी देखेंगे. नंबर थ्री, आप उस पेशेंट्स की न्यूट्रिशनल स्टेटस की असेसमेंट करेंगे एंड आल्सो असेसमेंट ऑफ द फूड इनटेक. नंबर फोर पे आप अगर उस पेशेंट ने किसी किस्म का कोई विटामिन इनटेक, कोई सप्लीमेंट की इनटेक की है पहले से, तो आप उस सप्लीमेंट इनटेक का रिव्यू करेंगे, जिसमें आप विटामिंस, मिनरल्स, फैट, प्री एंड प्रोबायोटिक्स एंड हर्बल्स अगर उसने इनटेक की है तो उसका रिव्यू करेंगे. एंड नंबर फाइव स्टेप आपका क्या होगा, आप रिव्यू करेंगे ऑफ यूज़ ऑफ माइंड बॉडी थेरेपीज एंड रिजल्ट अचीव्ड. नंबर फाइव में आप अपनी इस असेसमेंट की कंक्लूजन की तरफ जाएंगे, यानी कि लास्ट स्टेप्स की तरफ जाएंगे, जिसमें आप नंबर फाइव पे माइंड बॉडी थेरेपीज का यूज़ करेंगे, यूज़ का इस अगर उस पेशेंट्स ने माइंड बॉडी थेरेपीज का यूज़ किया है तो उसका रिव्यू करेंगे एंड रिजल्ट्स अचीव्ड. ओके, अगर मैं आगे चलूँ इसी टॉपिक के अंदर मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी में, तो आपने अ रिव्यू ऑफ फूड टू अवॉइड डेट में एग्रीवेट IBS सिम्टम्स, आप उन फूड्स का भी रिव्यू करेंगे या उन फूड्स का रिव्यू करेंगे अवॉइड करवाने के लिए पेशेंट्स को जो IBS सिम्टम्स को एग्रीवेट करती हैं, शिद्दत की तरफ ले जाती हैं, एंड शुड बी कवर्ड ड्यूरिंग द इनिशियल न्यूट्रिशन कंसल्टेशंस. ओके, नेक्स्ट, मोस्ट फाइबर एंड बल्किंग एजेंट स्टडी इन IBS पॉपुलेशन हैज़ शोन सिग्निफिकेंट शॉर्ट कमिंग्स. अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलुबल एंड अनसॉलुबल फाइबर इज टारगेटेड फॉर द कॉन्स्टिपेशन मैनेजमेंट. However, increasing the amount of unsoluble fiber in the diet, especially in patient without constipation, actually may worsen the IBS symptoms. Okay, and constipation of adequate fluid is recommended. Sorry, consumption of adequate fluid is recommended, especially when powdered fiber supplements are used. Although increasing the fiber intake is a useful component of initial therapy for IBS. Patient may have continuing symptoms possibly related to a type of fiber consumed. Recent studies, कुछ studies ने हाल ही में show किया है कि certain किस्म के carbohydrate that containing the food that include highly fermentable carbohydrate in the presence of gut bacterial actually exacerbate IBS symptoms.
तो यहाँ पर जहाँ तक मैंने आपको, नेक्स्ट में हम इसी आईबीएस पेशेंट्स के लिए एक ईटिंग प्लान की बात करते हैं जिसको फोर्ड मैप कहते हैं। फोर्ड मैप क्या है? बेसिकली फोर्ड मैप इज़ अ फर्मेंटेबल ओलिगोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड एंड पॉलीओल्स। मैं रिपीट करता हूँ, व्हाट इज़ द फोर्ड मैप्स ईटिंग प्लान? फोर्ड मीनिंग्स, फोर स्टैंड फॉर एफ फॉर फर्मेंटेबल, ओ फॉर ओलिगोसेक्राइड्स, डी फॉर डाइसेक्राइड्स, एम फॉर मोनोसेक्राइड्स, ए फॉर एंड एंड पी फॉर पॉलीओल्स। इट मीन्स फोर्ड मैप इज अ फर्मेंटेबल ओलिगोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, मोनोसेक्राइड एंड पाईओल्स विच आर शॉर्ट चेन कार्बोहाइड्रेट्स मीन शुगर्स दैट स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब पुअरली। सम पीपल एक्सपीरियंस्ड डाइजेस्टिव डिस्ट्रेस ईटिंग आफ्टर ईटिंग दैम। तो हम फोर्ड मैप ईटिंग प्लान की अगर बात करें, अगर एक पेशेंट्स के लिए हम डाइट बनाते हैं और वो लो होती है, इन फोर्ड मैप में भी इफेक्टिव थेरेपी होगी इन द मैनेजमेंट ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम इन पेशेंट विद आईबीएस। यानी कि आईबीएस पेशेंट्स के लिए गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम की मैनेजमेंट की जो हम थेरेपी करेंगे, वो थेरेपी उस वक्त इफेक्टिव होगी अगर हम उसमें फोर्ड मैप्स का इस्तेमाल कम रखें। इसी तरह अगर हम लो फोर्ड मैप डाइट फूड लिमिट्स द फूड दैट कंटेन लैक्टोज, फ्रक्टोज, फ्रुक्टो ओलिगोसेक्राइड्स, ग्लैक्टो ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीओल्स और शुगर अल्कोहल्स, ज़ाइलिटोल्स, मिनिटोल्स, आइसोमाल्टेस एंड माल्टीटोल्स, दीज शॉर्ट चेन कार्बोहाइड्रेट आर पुअरली एब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड आर हाईली ऑस्मोटिक एंड आर रेपिडली फर्मेंटेटेड बाई द बैक्टीरिया इन लार्ज इंटेस्टाइन। दैट्स वाई जब ये चीज़ें, ये शुगर्स तेज़ी से फर्मेंटेटेड हो जाते हैं बैक्टीरिया के ज़रिए, तो इसके नतीजे में हमारे ट्रैक के अंदर, पेशेंट के ट्रैक के अंदर गैस पैदा होती है जल्दी से, पेन स्टार्ट हो जाता है और डायरियल कंडीशन क्रिएट हो जाती है। और ये चीज़ उन पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा होगी जो सेंसिटिव होंगे अपने डाइजेस्टिव ट्रैक के लिहाज से। फोर्ड मैप हैव अ क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट ऑन द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम। अगर हम फोर्ड मैप्स की अमाउंट को एक स्पेसिफिक हद तक कम करें, देन ये पेशेंट्स को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल से रिलीफ के लिए जल्द रिलीफ की तरफ ले जाएगी। इसी तरह इसी पेशेंट्स के लिए, आईबीएस पेशेंट्स के लिए न्यूट्रिशन इंटरवेंशन की बात करें अगर हम, तो न्यूट्रिशन इंटरवेंशन बिगन विद द एलिमिनेशन ऑफ ऑल हाई फोर्ड मैप फूड फ्रॉम डाइट फॉर अ ट्राइड पीरियड ऑफ 6 to 8 weeks। द चैलेंज फेज बिगन विद द स्लो कंट्रोल रीइंट्रोडक्शन ऑफ वन फोर्ड मैप डाइट कैटेगरी एट अ टाइम टू ऑब्जर्व फॉर द सिम्टम एंड आइडेंटिफाई द मोस्ट चैलेंजिंग फूड्स। बट पेशेंट आल्सो एक्सपीरियंस न्यूट्रिशनल डेफिशेंसीज दैट कैन रेज विद द लो फोर्ड मैप डाइट इंक्लूडिंग फोलेट, थायामिन, B6 ड्यू टू लिमिटेडिंग द सीरियल्स एंड ब्रेड्स विच इज प्रोवाइड द सिंपल शुगर्स एज वेल एज कैल्शियम एंड विटामिन डी डेफिशेंसी आल्सो ऑब्जर्व। द गोल इज टू इवेंचुअली रिड्यूस और एलिमिनेट द GIT सिम्टम बाय क्रिएटिंग अ डाइट दैट इंक्लूड्स फोर्ड मैप एट मोस्ट टॉलरेबल इनटेक लेवल एंड विद द यूज़ ऑफ अल्टरनेटिव फूड। यानी कि ओवरऑल अगर मैं इसकी बात, इस सारी टॉपिक का कंक्लूजन करूं, तो हमने बेसिकली जो पेशेंट हैं आईबीएस के, उनको जो डाइट देनी है, उस डाइट के अंदर मेजर जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा कि हम फूड मैप्स को लिमिट करेंगे। बट जब हम फूड मैप्स को, यानी कि फर्मेंटेबल ओलिगोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, मोनोसेक्राइड एंड पॉलीओल्स को, लाइक शॉर्ट चेन कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, इनको जब हम लिमिट करते हैं, तो इस वजह से जो कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि हमारे जिस्म में विटामिंस और मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। इन डेफिशिएंसीज को पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें आईबीएस पेशेंट्स के लिए एक ऐसी डाइट सेट करनी है जिसके अंदर फूड मैप्स की अमाउंट, टॉलरेबल अमाउंट शामिल होनी चाहिए, ताकि पेशेंट इजीली, आसानी से फूड भी ले ले, डाइट भी अपनी ले ले, उसके अंदर किसी किस्म की विटामिन और मिनरल डेफिशिएंसी भी ना हो, और इसके साथ साथ
ये जो शुगर्स हैं जिसको फूड मैप मैं कह रहा हूँ, इसके अमाउंट भी ज़्यादा ना जाए। अगर ये ज़्यादा जाएगी तो पेशेंट्स ऑब्वियसली बैक्टीरिया रैपिडली ग्रो करेंगे इन शुगर्स पे, और नतीजे में वो गैसेस पैदा करेंगे जिसकी वजह से बैली में, पेट में बहुत शदीद किस्म का पेन होगा, और उस पेन की वजह से फिर पेशेंट की कंडीशन बिगड़ जाएगी। तो हमें जिन लोगों को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का प्रॉब्लम है, उन लोगों को चाहिए कि वो एक ऐसी डाइट का सहारा लें। ऐसी डाइट हम उन्हें, एक डाइटिशियन को चाहिए वो उनको ऐसी डाइट रिकमेंड करे जिसके अंदर फूड मैप यानी कि फर्मेंटेबल ओलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड एंड पोलियोल सोर्स फूड्स हैं, उनकी अमाउंट को टॉलरेबल इस अमाउंट में कर दे कि जो कि पेशेंट इजीली टॉलरेट करे, और इसके साथ साथ उनकी अदर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज को भी मॉनिटर करता रहे मॉनिटरिंग के साथ साथ देखता रहे कि कहीं उसमें इन चीज़ों की डेफिशिएंसी तो नहीं हो रही। इन चीज़ों को, दोनों पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए एक IBS पेशेंट्स को अच्छे तरीके से एक डाइटिशियन ट्रीट कर सकता है। जी, ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है स्मॉल बाउल रीसेक्शन, यानी के स्मॉल बाउल रीसेक्शन एंड शॉर्ट बाउल सिंड्रोम। बेसिकली इट्स आर न्यूट्रिशनल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंटेस्टाइनल सर्जरी। शॉर्ट बाउल सिंड्रोम में होता क्या है बेसिकली? शॉर्ट बाउल सिंड्रोम में पेशेंट्स की जो है वो आफ्टर रीसेक्शन जो स्मॉल बाउल के जो साइज़ है, जो लेंथ है, उसमें जो है कमी होती है, और उस कमी की वजह से जो बाउल की फंक्शंस हैं डिक्रीज़ हो जाते हैं, इनके फंक्शनल एबिलिटी कम हो जाती है ड्यू टू रिडक्शन इन लेंथ। और इस वजह से जब लेंथ में रिडक्शन होती है तो उस वजह से एब्जॉर्प्शंस भी कम हो जाती है, यानी कि एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी भी कम हो जाती है, इनएडिक्वेट हो जाती है बल्कि। तो अगर मैं शॉर्ट बाउल सिंड्रोम को डिफ़ाइन करूं तो शॉर्ट बाउल सिंड्रोम कैन बी डिफाइन एज इनएडिक्वेट एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी रिजल्टिंग फ्रॉम रिड्यूस लेंथ और डिक्रीज फंक्शनल बाउल आफ्टर रिसेक्शन। तकरीबन 70-75% का लॉस होता है स्मॉल बाउल का, यूजली इन रिज़ल्ट इन SBS, यानी SBS स्टैंड फॉर स्मॉल बाउल या शॉर्ट बाउल सिंड्रोम। इसके होने के बाद तकरीबन 100-120 cm ऑफ स्मॉल बाउल विदाउट कोलन साइज एंड या 50 cm आप कह सकते हैं स्मॉल बाउल की लेंथ विद कोलन रह जाती है। और अगर ज़रा थोड़ा प्रोमिनेंटली और वजाहती तौर पे अगर मैं इसकी डेफिनेशन करूँ SBS की, तो SBS इज़ द अनएबिलिटी टू मेंटेन न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन नीड्स विद नॉर्मल फ्लूइड एंड फूड इनटेक रिगार्डलेस ऑफ बाउल लेंथ। पेशेंट विद SBS ऑफन हैव कॉम्प्लेक्स फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट एंड न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट इश्यूज। और अगर मैं SBS के कॉन्सिक्वेंसेस की बात करूँ तो SBS के कॉन्सिक्वेंसेस इंक्लूड करते हैं मेल एब्जॉर्प्शन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट को एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट को, फ्रिक्वेंट डायरिया होता है इसमें, स्टिटोटोरिया होता है, डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो जाता है, वेट लॉस होता है एंड ग्रोथ फेलियर होता है बच्चों में। अदर कॉम्प्लिकेशंस जो इंक्लूड होते हैं वो गैस्ट्रिक हाइपरसेक्रीशन है, ऑक्सैलेट रीनल स्टोन्स हैं एंड कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन इसमें शामिल हैं। इंडिविजुअल हु हैव इवेंचुअली नीड्स लॉन्ग टर्म पेरेंटेरल न्यूट्रिशन। इस तरह के जो SBS के पेशेंट्स होते हैं विद कॉम्प्लेक्स कॉन्सिक्वेंसेज के साथ जो पेशेंट्स होते हैं उनमें पेरेंटेरल न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड होती है और लॉन्ग टर्म के लिए होती है। जब पेरेंटेरल न्यूट्रिशन लॉन्ग टर्म के लिए दी जाती है तो कैथेटर इन्फेक्शंस के जो है रिस्क इंक्रीज हो जाता है, सेप्सिस का, ठीक है, लीवर डिजीज़ का, और रिड्यूस क्वालिटी ऑफ लाइफ एसोसिएटेड विद द क्रॉनिक इंट्रावीनियस न्यूट्रिशन सपोर्ट। और अगर मैं इसकी इटोलॉजी की बात करूँ तो मोस्ट कॉमन रीज़न फॉर मेजर रिसेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन इन अडल्ट्स इंक्लूड क्रॉन डिजीज, रेडिएशन इंट्राट्रस, मिजेंट्रिक इन्फेक्शन, मिजेंट्रेरिक इन्फाक्ट, मिलेग्नेंट डिजीज एंड वल्वुलस। ये तमाम कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये इश्यूज, ये कॉजेज़ हैं इस डिजीज़, इस सिंड्रोम के।
जिसके अंदर पेशेंट्स की स्मॉल बाउल की या बाउल की रिसेक्शन होता है, जिसकी वजह से उसका साइज़ कम हो जाता है। तो इन पेशेंट्स में हम फिर किस तरह की मेडिकल न्यूट्रिशन थेरापी करेंगे वो मैं अब आपको बताऊंगा। इस तरह के पेशेंट्स के अंदर बेसिकली हम लोग, हमारा फर्स्ट स्टेप होता है इज़ द मैनेजमेंट इन असेसमेंट ऑफ रिमेनिंग बाउल लेंथ फ्रॉम द पेशेंट, सर्जिकल एंड हेल्थ रिकॉर्ड और इंटरव्यू। असेसमेंट शुड बी क्वांटिफाइड डाइटरी इनटेक एज वेल एज स्टूल एंड यूरिन आउटपुट। तकरीबन 24 घंटों तक ये चीज़ हम इसमें मॉनिटर कर असेसमेंट करते हैं इनकी। किसकी मैं रिपीट करता हूँ, डाइट इनटेक की, स्टूल की एंड यूरिन आउटपुट की 24 घंटों के लिए हम असेसमेंट करते हैं। उसके बाद मेडिकेशन एंड हाइड्रेशन स्टेटस शुड बी असेस्ड। ठीक है, मेडिकेशन में भी प्रिस्क्राइब टू लो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोर्टेलिटी एंड डिक्रीज द सिक्रीशंस, बिकॉज आपको पहले बताया था इटोलॉजी के अंदर, सॉरी इसमें कॉन्सिक्वेंसेज में बताया था कि गैस्ट्रिक हाइपर सिक्रीशन हो जाती है, जिसको कम करने के लिए फिर मेडिकेशन दी जाती है जिससे डिक्रीशन हो जाए, सिक्रीशन डिक्रीज हो जाती है। एंड ट्रीट द बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ। द प्राइमरी मेडिकेशंस जो के गट को स्लो डाउन, गट की मोर्टेलिटी को स्लो डाउन करती हैं, इंक्लूड हैं उसमें लोप्रामाइड आता है एंड इफ़ नीडेड तो नेक्रोटिक मेडिकेशंस भी दी जाती हैं, सॉरी नारकोटिक मेडिकेशन, नेक्रोटिक नहीं नारकोटिक मेडिकेशंस। इसके अलावा सोमैटोस्टेटिन एंड सोमैटोस्टेटिन एनालॉग्स, जिसमें ग्लूकागोन लाइक पॉलीपेप्टाइड 2 एंड ग्रोथ हार्मोन एंड अदर हार्मोन विद द एंटी सिक्रेटरी एंटी मोर्टेलिटी एंड ट्रॉपिक्स एक्शन हैज़ बीन स्टडी फॉर द यूज टू स्लो द मोर्टेलिटी ऑफ द सिक्रीशंस। सर्जिकल प्रोसीजर सच एज क्रिएशन ऑफ ओवर रिजर्वर्स टू सर्व द फॉर्म ऑफ द कोलन, इंटेस्टाइनल लेंथनिंग एंड इंटेस्टाइनल ट्रांजिट हैज़ बिन परफॉर्म टू हेल्प द पेशेंट विद द मेजर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिसेक्शन। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं बेसिकली ये है मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट है रिसेक्शन की, SBS की। इसके अलावा अगर हम डाइट की तरफ आएँ, डाइट की बात करें तो मेडिकल जो न्यूट्रिशन थेरापी दी जाती है इन पेशेंट्स को, उसमें क्या होता है, मोस्ट पेशेंट बेसिकली है हु हैव सिग्निफिकेंट बाउल रिसेक्शन रिक्वायर पेरिनेटल न्यूट्रिशन इनिशियली। फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम SBS पेशेंट्स को इनिशियली तौर पे पेरिनेटल न्यूट्रिशन पे लेके जाएंगे ताकि वो अपने जो है न्यूट्रिशनल स्टेटस को रिस्टोर कर सकें और मेंटेन कर सकें। द ड्यूरेशन ऑफ पेरेंटाइरल न्यूट्रिशन एंड सब्सिक्वेंट न्यूट्रिशन थेरापी विल बी बेस्ड ऑन द एक्सटेंट ऑफ द बाउल रिसेक्शन, हेल्थ ऑफ द पेशेंट एंड कंडीशन ऑफ द रिमेनिंग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। इन जनरल ओल्डर पेशेंट विद द मेजर इलियल रिसेक्शन, पेशेंट हु हैव लॉस्ट द इलियोसिकल वॉल एंड पेशेंट्स विद द रेजिडुअल डिजीज इन द रिमेनिंग ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक डू नॉट do as well. Enteral feeding provides a trophic stimulus to gastrointestinal tract. Parenteral nutrition is used to restore them and maintain the nutrient status. इसके अलावा जो next अगर हम देखें, इसमें basically more extreme and severe problems सामने आती हैं जो कि slow कर देती हैं progression to normal diet. स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट मिनी मील्स हमें देने होते हैं हर 6 से लेके तकरीबन 10 पर डे के हिसाब से, क्योंकि ये बेटर टॉलरेटेड हो जाएंगे एज निस्बत बड़े मील देने से। ट्यूब फीडिंग भी एक यूज़फुल टूल्स के तौर पर देखा गया, हम अपनी डाइट को इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब फीडिंग, यानी कि अपनी डाइट को थ्रू द ट्यूब फीडिंग भी दें तो वो भी एक यूज़फुल है मैक्सिमाइज करने के लिए, इनटेक को बढ़ाने के लिए ट्यूब फीडिंग एक बेस्ट ऑप्शन है जब पेशेंट बेसिकली बुनियादी टिपिकली खा ना सके, सच एज ड्यूरिंग द नाइट। अच्छा, अब चूंकि इन पेशेंट्स में मेल न्यूट्रिशन और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के डिसयूज़ की वजह से डाइजेस्टिव एंड एब्जॉर्प्टिव फंक्शन जो होते हैं रिमेनिंग GI ट्रैक के, वो कंप्रोमाइज्ड हो जाते हैं, और जो पेशेंट मैलनरिश्ड होते हैं उस वजह से इनके अंदर जो सर्जरी के बाद की अडेप्टेशन होती है जिसको हम पोस्ट सर्जिकल अडेप्टेशंस कहते हैं, उनमें डिले आ जाता है। ठीक है, और एक पेशेंट अपनी नॉर्मल डाइट या नॉर्मल फूड की तरफ
जाने में काफ़ी सारे वीक्स और मंथ लगा देता है। और इसमें कुछ पेशेंट्स हैव नेवर टॉलरेट नॉर्मल कंसंट्रेशन और द वॉल्यूम ऑफ द फूड एंड ऑलवेज रिक्वायर्ड सप्लीमेंटल पेरेंटरल न्यूट्रिशन, यानी कि हमें पेरेंटरल न्यूट्रिशन के थ्रू एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट देने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उस पेशेंट का न्यूट्रिशनल और फ्लूइड जो स्टेटस है वो उसको मेंटेन रखा जाता है। अब चूंकि जीएटी ट्रैक की मैक्सिमम अडेप्टेशंस की वजह से जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की मैक्सिमम अडेप्टेशन है उसको होते होते 1 से 2 साल लग जाते हैं सर्जरी के बाद। अडेप्टेशन जो है वो बेसिकली फंक्शंस को इम्प्रूव करती है जीए के, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसके इंटेस्टाइन अब सर्जरी के बाद वापस उसी हालत में आ जाए जैसे वो एक नॉर्मल होती थी, ऐसा नहीं होता। लेकिन अडेप्टेशन उसके फंक्शन को कोशिश करती है कि वो मैक्सिमम बेटर हो जाए। होल न्यूट्रिएंट जो है वो बेस्ट स्टिमुलाई है जीएटी ट्रैक के लिए। वो कैसे, उससे पता लगता है कि अगर हम होल न्यूट्रिएंट देते हैं तो उससे हमें पता लगता है कि जीएटी ट्रैक ने कितने न्यूट्रिएंट और किस हद तक न्यूट्रिएंट जो है ना वो अब्जॉर्ब किए हैं। इसके अलावा अदर न्यूट्रिएंट मेजर्स जो हैं उसमें स्टडी की गई है और देखा गया है कि एडैप्टिक प्रोसेस और डिक्रीजिंग मैल अब्जॉर्प्शंस भी एक तरह के सोर्सेज हैं जिनसे पता लगता है जीएटी ट्रैक के फंक्शंस का। बट देयर एविडेंस फॉर द यूज़ इज़ लिमिटेड। फॉर एग्जाम्पल ग्लूटामाइन इज़ प्रेफर्ड फ्यूल फॉर द स्मॉल इंटेस्टाइनल एंटेरोसाइट्स, और इसी तरह अदर कुछ न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो कि इंटेस्टाइनल और इंटेस्टाइनल की अडेप्टेशंस को मैयस करने के लिए देखे गए हैं किस हद तक ये एब्जॉर्ब हो रहे हैं, यूटिलाइज हो रहे हैं, और इससे हमें फिर उसकी जो है फंक्शनैलिटी का पता लगता है। अच्छा, अगर उन पेशेंट्स के अंदर जिनके अंदर जुजिनल रिसेक्शन हुआ होता है और उनकी इलियम और कॉलोन बिल्कुल ठीक होते हैं, वो पेशेंट जल्दी से अपनी नॉर्मल डाइट की तरफ अडेप्टेड हो जाते हैं। अ नॉर्मल बैलेंस ऑफ प्रोटीन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज इज सेटिस्फैक्ट्री होता है इन पेशेंट्स में। 6 स्मॉल फीडिंग्स होती हैं लैक्टोज की अवॉइडेंस के साथ, बट लार्ज अमाउंट ऑफ कंसनट्रेटेड स्वीट एंड कैफीन मे हेल्प टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ब्लॉटिंग, एबडोमिनल पेन एंड डायरिया। बिकॉज टिपिकल अमेरिकन डाइट मे बी न्यूट्रिशनली लैकिंग एंड इनटेक ऑफ स्मॉल माइक्रो न्यूट्रिएंट मे बी मार्जिनल, पेशेंट शुड एडवाइज दैट क्वालिटी ऑफ द डाइट इज एट मोस्ट इम्पॉर्टेंस। मल्टीविटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट मे बी रिक्वायर्ड टू मीट द न्यूट्रिशन नीड, यानी कि इस पेशेंट्स को हमने मल्टीविटामिन और मिनरल सप्लीमेंट्स भी देने हैं डाइट के अंदर। पेशेंट विद इलियल रिसेक्शन, अब जिन पेशेंट में इलियल रिसेक्शन हुई होती है उनको इंक्रीज टाइम, उनको टाइम उनका बढ़ जाता है, उनकी उनकी जो पेशेंस है इन एडवांसमेंट फ्रॉम पेरेंटरल टू इंटरल न्यूट्रिशन वो भी बड़ देर से होती है, टाइम लगता है उनको पीएन से टू फीडिंग तरफ लाते लाते। बिकॉज ऑफ लॉसेस फैट सोलबल वाइटामस कैल्शियम मैग्नीशियम एंड जिंक मे हैव टू बी सप्लीमेंटेड। ये आपने अपनी डाइट के अंदर जो पेशेंट्स को, इन पेशेंट्स को डाइट देनी है SBS के पेशेंट्स को, इनके इनकी डाइट के अंदर आपने बेसिकली फैट सोलबल वाइटामिन कैल्शियम मैग्नीशियम और जिंक के सप्लीमेंट शामिल करने हैं। इसके अलावा डाइटरी फैट जो कि लिमिटेड की गई थी इन इन दीज पेशेंट्स, उनके अंदर आपने क्या करना है, जो आपने स्मॉल अमाउंट में हर फीडिंग के अंदर आपने गुड फैट्स की ऐसी अमाउंट, इतनी अमाउंट शामिल करनी है कि वो इजीली अब्जॉर्ब भी हो जाए और टॉलरेटेड भी हो जाए। इसके अंदर अगर हम देखें मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड प्रोडक्ट ऐड किए जाते हैं कैलोरिक इनटेक के हवाले से एंड सर्व एज ए व्हीकल फॉर द लिपिड सॉल्युबल न्यूट्रिएंट। बिकॉज बोलसिस ऑफ मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड ऑयल मिसाल के तौर पर टेकन एज ए मेडिकेशन इन टेबल स्पून अमाउंट मे ऐड टू द पेशेंट डायरिया इट मे ऐड टू द पेशेंट्स डायरिया। इट इज़ बेस्ट टू डिवाइड डोजेज इक्वली इन द फीडिंग थ्रू आउट द डे। अगर हम नेक्स्ट डाइट में देखें फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को, स्पेशली सोडियम शुड बी प्रोवाइडेड इन स्मॉल अमाउंट्स एंड फ्रिक्वेंटली इन पेशेंट विद SBS एंड ओरल डाइट। अभी इन SBS पेशेंट्स में ओरल डाइट और इंटरनल न्यूट्रिशन प्लस यूज ऑफ गट फ्लोइंग मेडिकेशन शुड बी मैक्सिमाइज टू प्रिवेंट द डिपेंडेंस ऑन पी एन। पी एन से पी पेरेंटरल न्यूट्रिशन से पेशेंट को
के ऊपर उस जो पेरेंटाइलल न्यूट्रिशन है उसके उससे बचाने के लिए, मैक्सिमम उसकी डिपेंडेंस से बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए SBS पेशेंट्स के अंदर अंदर SBS पेशेंट्स में हम ओरल डाइट और इंटायरल न्यूट्रिशन और जो गट की गट स्लोइंग मेडिकेशन है उनका हम उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं ताकि पेशेंट कम से कम पेरेंटाइल न्यूट्रिशन पे डिपेंड करे। इसके अलावा फ्रिक्वेंट मील हैं, रिमूवल ऑफ ऑस्मोटिक मेडिकेशंस हैं एंड फूड्स हैं, यूज़ ऑफ ओरल हाइड्रेशन थेरेपीज है इसके अंदर, अदर इंटरवेंशन शुड बी परसूड इन सम केसेस, ओवर फीडिंग इन एन अटेम्प्ट टू द कंपनसेट फॉर मैल एब्जॉर्प्शन रिजल्ट इन द फर्दर मैल एब्जॉर्प्शन, नॉट ओनली ऑफ इंजेस्टेड फूड एंड लिक्विड बट आल्सो द सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ GIT फ्लूइड सिक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू फूड इंजेशन। पेशेंट विद एन एक्सट्रीमली शॉर्ट बाउल मे डिपेंड ऑन द पेरेंटाइरल सोल्यूशंस फॉर द एटलीस्ट पार्ट ऑफ देयर न्यूट्रिएंट एंड फ्लूइड सप्लाई। स्मॉल फ्रीक्वेंट स्नैक्स प्रोवाइड सम ओरल ग्रेटिफिकेशन फॉर दीज पेशेंट बट टिपिकली दे कैन सप्लाई ओनली अ पोर्शन ऑफ देयर फ्लूइड एंड न्यूट्रिएंट नीड्स। तो ये मैंने आपको जो है वो स्मॉल बाउल सिंड्रोम का जो पढ़ाया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट में हम नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट कंडीशन की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।